देखते हैं, दिया हुआ है वाई बराबर में 3x। चलिए तो ये तो पहले से ही दिया है वाई का मान 3x है, तो हम लोग यहाँ x बराबर पहले रखते हैं 0, तो y बराबर में क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 यानी 0, x बराबर में रखते हैं 1, तो y बराबर में क्या हो जाएगा 3 गुना 1 3 आ जाएगा। x बराबर में रख दें 2 रख दें, चलो 2 रख देते हैं, चाहे माइनस 1 रख देते हैं, क्योंकि 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, थोड़ा बड़ा मान आ जाएगा, तो आलेख में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ये मैं माइनस 1 रख देता हूँ। तो y बराबर में 3 गुना माइनस 1 यानी कि माइनस का 3। तो मैं कोशिश यही करना होगा कि छोटा से छोटा मान है ताकि हम लोग आसानी से आलेख खींच पाए। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होंगे, ठीक है, लेकिन हमें अनगिनत नहीं निकालने हैं ना, हमें कम से कम निकालने, तो कम से कम 2 निकालने होते हैं, हम लोग 3 यहाँ निकाल के बना रहे हैं। मैंने आपको बताया है, रीजन बता रखा है कि 3 हल क्यों निकालते हैं। चलिए एक्स वाई, एक्स की जगह 0 रखा वाई का 0, एक्स की जगह 1 रखा वाई का 3, एक्स की जगह माइनस 1 रखा वाई का माइनस 3 आ गया। चलिए अब इसके लिए यहाँ पे बगल में हम लोग आलेख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं, इस पर यहाँ ले लेते हैं एक्स अक्ष और यहाँ ये मोटी वाली लाइन पे ले लेते हैं वाई अक्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। एक्स एक्स डैश वाई और यहाँ नीचे ले लेते हैं वाई डैश, 1 2 3 4 काफी है, 1 2 3 4 माइनस में जरूरत नहीं, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तक है ना जी, माइनस माइनस 4 जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप हल के अनुसार चल सकते हो। चलिए अब देखिए, x का 0 y का 0, तो 0 0 कहाँ होता है, मूल बिंदु होता है 0 0, x का 1 और y का 3, x का 1 और y का 3, ये हो जाएगा आपका 1,3, जब फिर x का माइनस 1 और y का माइनस 3, x का माइनस 1 और y का माइनस 3, ठीक है, तो ये हमने 3 हल निकाल दिया। अब ये देखो कहाँ से जाएगी रेखा, तीनों बिंदुओं को दर्शाया उनसे होकर जाएगी रेखा, इस तरह से कुछ रेखा जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो तो कितना बढ़िया से चला गया। और इसका यहाँ समीकरण चाहो तो लिख सकते हो, y बराबर में यह 3x का आलेख है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, चलो अब इसका